डियर स्टूडेंट्स, बाहर ठंडी और अंदर बेचैनी, ये स्थिति बयां करती है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो कि फरवरी 2021 में वार्षिक मैट्रिक या इंटरमीडिएट परीक्षा में बैठ रहे हैं। एक तो कोरोना संकट के चलते क्लास नहीं हो पाए, सही ढंग से ज्ञानवर्धन नहीं हो पाया, और दूसरा आपका एग्ज़ाम का समय अब आ गया है। ऐसी स्थिति में आपको तैयारी कैसे करनी है, मैं आपके समक्ष इन्हीं विषयों पर बात करने आया हूं कि आपको कैसे मॉडल पेपर को बेस बनाना चाहिए। जी हां, 2021 का जो मॉडल पेपर है जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी किया जा रहा है, इसके अलावा 2020 का जो मॉडल पेपर है और 2019 का जो मॉडल पेपर है, इंटर का भी और मैट्रिक का भी, यह दोनों आपको मैं देना चाहता हूं, आपके मोबाइल तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि आप उसका प्रिंटआउट ले सकें या उसको देख सकें अपने कंप्यूटर में, अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में या स्मार्टफोन में, और उस मॉडल पेपर को बेस बनाकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। जी हां, मॉडल पेपर से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है, गारंटी नहीं होती, बट उससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेकिन कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न पूछने का मेथड क्या होगा, एक बहुत बेहतरीन आइडिया आपको मॉडल पेपर से मिल सकता है। और 2021 का जो मॉडल पेपर BSEB द्वारा जो जारी किया जा रहा है, वह आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो यह मॉडल पेपर आपको कैसे मिलेगा, आप कहां से ढूंढेंगे, इसमें परेशानी हो सकती है, और उसी परेशानी को दूर करने के लिए मैं चाहता हूं आपको सपोर्ट करना BSEB की ओर से। एक तरह से आपको जो बोर्ड का ऑथेंटिक मॉडल पेपर है, सैद्धांतिक विषयों का जो थ्योरी का एग्ज़ाम, उसको आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आप सबको पता है कि सबसे पहले इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम हो रहा है, इंटर साइंस, इंटर कॉमर्स, इंटर आर्ट्स, इंटर वोकेशनल का एग्ज़ाम होगा, और जो टोटल एग्ज़ाम का शेड्यूल है वो 1 फरवरी से लेकर यह एग्ज़ाम 13 फरवरी तक होगा। 1 फरवरी से 13 फरवरी तक इंटर का एग्ज़ाम जब खत्म हो जाएगा, तो 17 फरवरी से मैट्रिक का भी एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, जो कि 24 फरवरी तक खत्म हो जाएगा, और यकीन मानिए मार्च में ही आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। तो इतना कम समय बचा है, इतना कम समय बचा है, जबकि आज ऑलरेडी आपके पास इतना समय दिसंबर में लगभग 15 दिन भी नहीं रहा, और जनवरी का एक समय लगभग आप मान के चलिए कि 40 दिन का समय बचा हुआ है, उसमें इंटर वाले क्या कर सकते हैं। तो आपको मॉडल पेपर से एक तरह से आइडिया लेना है कि किस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव कैसा होगा, सब्जेक्टिव कैसा होगा, और मॉडल पेपर तो आपको बना ही लेना है। तो मॉडल पेपर आप कैसे प्राप्त करेंगे, कहां से प्राप्त करेंगे, ये एक ऊहापोह विद्यार्थियों के बीच में है। तो मॉडल पेपर आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं, और बोर्ड की ओर से एक तरह से मैं आपको सपोर्ट करना चाहता हूं सभी विद्यार्थियों को जो कि इंटर और मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं, कि 3 साल का मॉडल पेपर मैं आपको दूंगा, 2019 का, 2020 का और 2021 का। करना ये होगा कि आपको मॉडल पेपर प्राप्त करने के लिए हमारे एक मोबाइल पर, जो मोबाइल पब्लिक एक तरह से डोमेन में है, उस पर एक मैसेज करना होगा, और आपको एडमिट कार्ड भेजना पड़ेगा। ये नहीं, मैं चाहता हूँ कि जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं उन्हीं को लाभ मिले, ये नहीं कि इसका प्रोफेशनली या फिर जो अदर माइंड के लोग हैं उनको भी ये यूज़ करें। जो रियल स्टूडेंट्स हैं, जो एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, उन्हीं को ये मॉडल पेपर मिले, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आपका जो एडमिट कार्ड है, चाहे वो डमी एडमिट कार्ड हो या फिर आपका जो प्रैक्टिकल के लिए एडमिट कार्ड अभी इंटर का चालू हो गया है, उसके लिए मैं चाहता हूं कि उसकी एक फ़ोटो कॉपी आपको हमें व्हाट्सएप करनी पड़ेगी, तभी मैं आपको उस व्हाट्सएप के थ्रू आपको PDF फॉर्म में आपको मॉडल पेपर मैं दूंगा। जी हां,
यह मॉडल पेपर 2019 का, 21 का और 22 का आपको पीडीएफ फॉर्म में मैं दूंगा और आप उस पीडीएफ को प्रिंट करवा सकते हैं या फिर अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए बेस बनाकर वार्षिक सैद्धांतिक परीक्षा यानी कि जो इंटर की होने वाली है 1 फरवरी से और जो मैट्रिक की 17 फरवरी से उसकी तैयारी कर सकते हैं। आपको करना ये होगा कि हमारा जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पर आपको आपका जो डम्मी एडमिट कार्ड है, जो इंटर प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड है, डम्मी हो या प्रैक्टिकल हो, चूंकि थ्योरी का अभी एडमिट कार्ड अभी जारी नहीं हुआ है, उसको भेजना पड़ेगा सो दैट मुझे लगे कि ऑथेंटिक विद्यार्थी है और दूसरा कोई नहीं है। तो मेरा जो नंबर है वो पब्लिक डोमेन में है, आप सभी जानते हैं, फेसबुक पर और यूट्यूब पर भी ये नंबर है और जो वीडियो देख रहे हैं इसमें भी ये नंबर हमारा दिया हुआ है, आप उसको नोट भी कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 7903583633। आई रिपीट 7903583633। इसके अलावा एक मैं चाहूँगा, एक कंडीशन ही इसको मान लीजिए कि हमारा जो YouTube चैनल है NKT IAS/NKT World इसको सब्सक्राइब करना मैंडेटरी है क्योंकि आपको घर बैठे निःशुल्क मैं मॉडल पेपर दे रहा हूँ 3 साल का, इससे आपकी तैयारी में बहुत मदद मिलेगी। तो मेरी भी अपेक्षा है कि आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें और जितना अधिक इस वीडियो को आप फैला सकते हैं फैलाएं। तो एक तो एडमिट कार्ड का फोटो लेकर, पिक्चर लेकर आपको हमें व्हाट्सएप करना पड़ेगा जो नंबर मैं दिया हूँ, और साथ में आप जो मेरा सब्सक्रिप्शन जो सब्सक्राइब किए हैं यूट्यूब चैनल को उसका भी स्नैपशॉट लेकर उसको आपको हमें भेजना पड़ेगा। ये 2 चीज़ आपको भेजना पड़ेगा, एडमिट कार्ड और जो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब किए हैं उसका स्नैपशॉट लेकर आप हमको व्हाट्सएप कीजिए और उसी व्हाट्सएप से मैं आपको 3 साल का जो मॉडल पेपर है वो मैं आपको दूंगा। अभी वर्तमान में 19 और 20 का उपलब्ध है और 1 से 2 दिन के अंदर आपको 2021 का भी मॉडल पेपर जैसे ही होगा आपको तुरंत मैं देने वाला हूं क्योंकि इसकी प्रक्रिया ऑलरेडी चल रही है और उसका मैं हिस्सा हूं, तो आपको तुरंत दे दूंगा और आप इसकी तैयारी शुरू कर दें। आप 19 का, 20 का तो भी वर्तमान में उपलब्ध है, 21 का भी ऑलरेडी फाइनल स्टेज में है, 1-2 दिन में आपको वो भी मिल जाएगा। तो 3 साल का मॉडल पेपर आपके पास होगा जिसको आप प्रिंट कर सकते हैं और इस मॉडल पेपर के आधार पर आप अपनी तैयारी को बेस कीजिए कि कितना ऑब्जेक्टिव होगा, कितना सब्जेक्टिव होगा। इस बार मैं बता दूं कि इस बार जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है इस एग्ज़ाम में आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलने वाला है, या तो ये कीजिए चाहे ये कीजिए चाहे ये कीजिए, 2020 की अपेक्षा इस बार आपके लिए ऑप्शन ज़्यादा होगा। तो आप जो है मेन चैप्टर का अब एकदम देखना शुरू कीजिए, उसका समरी में नोट्स बना लीजिए। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर टॉपिक है तो उसमें मेन बात क्या लिखा है, क्योंकि अब पूरा जनरल ढंग से पढ़ने का नहीं है, अब एक तरह से नोट बनाकर आप उसको समराइज कर सकते हैं और उसके की पॉइंट्स को नोट कर लीजिए सो दैट जब एग्ज़ाम आप देंगे तो उसको आप बेहतर ढंग से लिख सकते हैं, जहाँ तक सब्जेक्टिव प्रश्नों को लिखने का मतलब है। और ऑब्जेक्टिव के लिए ज़रूरी है कि फैक्ट्स को आप माइंड में रखें और तभी आप उसको बेहतर ढंग से कर सकते हैं। पुनः मैं कहूँगा गेस पेपर से आपका नहीं होगा, गेस पेपर के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं, बट गेस पेपर इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। आपको जिसे साइंस का है, आर्ट्स का है, कॉमर्स का है, मैथमेटिक्स है, तमाम विषय हैं, फॉर्मूला को माइंड में रखिए, कॉन्सेप्ट को माइंड में रखिए, की पॉइंट्स को माइंड में रखिए और जहाँ भी ज़रूरी हो उसको नोट्स बना लीजिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए। लेकिन अब वो समय आ गया है क्योंकि आपका इंटर और मैट्रिक आपके करियर का एक अहम कड़ी है और उसके आधार पर आप आगे बढ़ेंगे, तो इसमें अच्छा नंबर आपके लिए लाना एक बहुत महत्वपूर्ण होगा और इसके लिए आपके पास समय कम बचा है। तो मैं चाहूँगा कि जितना भी आपको समय बचा है वो समय आप बिल्कुल तन्मय होकर इसमें लग जाइए अपने पढ़ाई में सो दैट अच्छा स्कोरिंग करें, क्योंकि मार्क्स के आधार पर ही आपका आगे एडमिशन भी होता है। जैसे आप मैट्रिक में 6 नंबर लाएंगे तो इंटर में एडमिशन के लिए आपको सपोर्ट मिलेगा और इंटर में 6 नंबर लाएंगे तो ग्रेजुएशन में सपोर्ट आपको मिलेगा। तो बहुत शुभकामनाएँ मेरे तरफ से है कि अब समय इधर उधर देखने का नहीं है, आप कीजिए। और जो मैं अपना नंबर बताया उस पर डाउट
कुछ होगा तो आप पूछ सकते हैं, जो मैं मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर बताया हूँ उस पर कॉल नहीं करना है, क्योंकि हम कॉल नहीं ले पाते हैं। आप केवल व्हाट्सएप करेंगे और इसका इन प्रश्नों का उत्तर मैं खुद ही देता हूँ। तो ज़रूरी है इसके लिए कि आप जो है अच्छे से पढ़ें, कॉन्सेप्ट को समराइज़ करें, और समराइज़ करके कम से कम 10 से 12 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा आपको अब पढ़ना चाहिए, 14 घंटा लेना चाहिए। और सभी विषय का रूटीन बना लीजिए, दिन भर को बांट लीजिए, इतना समय में हमको ये विषय देखना है, ये विषय देखना है, ये विषय देखना है, रूटीन बनाकर उसको आप करते रहिए। और कहीं पर अगर डाउट हो रहा है तो आपके जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं आपके नज़दीक में, उसे आप पूछ लीजिए, समझ लीजिए कि कैसे क्या करना है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मॉडल पेपर के माध्यम से मैं आपको विशेष रूप से एक तरह से सपोर्ट कर रहा हूँ कि आप समझ जाएं प्रश्नों की प्रकृति को और अच्छे नंबर लाएं। आपके अच्छे नंबर लाने से मेरा यह जो प्रयास है वो सफल हो जाएगा। तो पुनः मैं दोहराना चाहूँगा कि आपका जो एडमिट कार्ड है, और जो डमी एडमिट कार्ड हो या फिर प्रैक्टिकल इंटर का जो एडमिट कार्ड है, उसका आपको फोटो लेकर मुझे व्हाट्सएप करना होगा। और साथ में जो ये यूट्यूब चैनल है, जिस मैं एक प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, इस यूट्यूब को सब्सक्राइब करने का एक जो प्रूफ होगा उसको भी स्नैपशॉट लेकर आप हमें व्हाट्सएप कीजिएगा। इसके बाद मैं आपको यथासमय आपको जो डमी सॉरी जो मॉडल पेपर है वो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आपको मैं भेज दूँगा। तो मेरा नंबर वही है 7903583363। और आपको आपकी तैयारी के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। रुकना नहीं है, थकना नहीं है, क्योंकि कर्म करना आपके हाथ में है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। आप कर्म करने में विश्वास कीजिए, न कि रिजल्ट ए में। अच्छा कर्म कीजिएगा, ऑटोमेटिक अच्छा रिजल्ट आएगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो अब आपको स्वप्न देखना है अच्छा करने का, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लग जाइए, क्योंकि समय बहुत कम है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाली वार्षिक परीक्षाओं के लिए। धन्यवाद।